इंडिया टैप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज फिरोजाबाद। सिरसागंज में कोरोना की दस्तक से मचा हड़कंप। स्वास्थ्य कर्मी के पॉजिटिव निकलते ही प्रशासन हुआ चौकन्ना। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के अध्यापक नगर में रहने वाले स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित निकलने की प्रशासनिक मशीनरी चौकन्नी हो गई। नगर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य कर्मचारी जिस इलाके में रहता है उसे पालिका द्वारा पूरी तरह से सैनिटाइज कराते हुए सील करा दिया गया है। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर कपिल यादव ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात 57 वर्षीय वार्ड बॉय के पिछले कई दिनों से बुखार की शिकायत थी। 2 दिन पूर्व उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। गुरुवार को आई रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आते ही इलाके में हड़कंप मच गया और प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए सैनिटाइजिंग का कार्य कराया। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा अध्यापक नगर की गलियों को सील कर लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। यहाँ पे अपॉइंटेड है, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर था रिहान करके, वो पॉजिटिव है। उसी के सानिध्य में आने से शिवशंकर शर्मा जी भी पॉजिटिव हैं। इस सूचना पर पूरे हॉस्पिटल को हम सैनिटाइज करा रहे हैं। गली अध्यापक नगर गली नंबर 1, गली नंबर 2, उनको भी सैनिटाइज टीम पूरी लग चुकी है, काम चल रहा है। दूसरा हॉस्पिटल से और आसपास का 250 मीटर का एरिया, उस पूरे एरिया को हम सील कराने का काम करने अभी जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से अभी तक हम जिस तरीके से जूझते रहे और बचते रहे बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब आने वाला समय बहुत ही खतरनाक समय है। अभी तक हमारे यहाँ एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था। शर्मा जी यहाँ पहले पेशेंट पॉजिटिव के रूप में हमारे नगर में आए हैं और शर्मा जी भी थोड़ा व्यवहारिक इंसान हैं, उनके कई लोगों से संपर्क और संबंध हैं। ये सारी चीज़ों पर चर्चाएं अभी चल रही हैं, तो मेरा केवल जनता की अपनी जनता से यही आग्रह है कि अपने को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करिए। मैं अपने देश के प्रमुख व्यवसायी टाटा जी का संदेश मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि ये सन 2020 केवल जीने के लिए है, तो केवल हम अगर अब जूझें तो केवल जीने के लिए जूझें, बाकी किसी चीज़ के लिए अभी हमें जूझने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ शिवशंकर शर्मा जी हैं जो बाढ़ के पत्थर हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनको आइसोलेशन में भेजा गया है और 24 आवर के लिए हॉस्पिटल को सील कर रहे हैं, सैनिटाइज कराएंगे। और शर्मा जी जिस गली अध्यापक और गली नंबर 2 में रहते थे, वो गली नंबर 2 और गली नंबर 1 दोनों सील किया जा रहा है और उनको आइसोलेशन में भेजा गया है, जिससे हॉस्पिटल खुल जाए। तो उनकी जाँच क्यों कराई गई? जाँच इसलिए कराई गई थी क्योंकि शर्मा जी जो हमारे यहाँ पहले ऑपरेटर था रिहान, उसके कॉन्टैक्ट में आए थे, इस वजह से रिहान पॉजिटिव पाया गया था, इसलिए उनकी जाँच कराई गई। तो उन्हें सिम्टम आ रहे थे, बुखार हो रहा था, खांसी हो रही थी, जुकाम हो रहा था, इसलिए उनका सैंपल कराया और सारे और भी स्टाफ का सैंपल कराया और सब लोगों का नेगेटिव आया है, केवल एक ही पॉजिटिव आया। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।